पकड़, मैं इधर ही हूँ। और अकेले पकड़ूंगे क्या बहन? देखता हूँ कितनी दूर भागता है। रुका ना, तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीखने की नहीं देरी। लेडीज है, सॉरी मैडम, इनसे ऐसी बात करना पड़ता है, नहीं तो कानों पे जूं नहीं देखती। बात बात बात, क्या हुआ? थक गया? क्या हुआ? थक गया? थक गया? रुक गया मैडम, रुक गया, रुक गया। एग्जाम हॉल में बच्चों की शक्ल को देख के ही समझ में आ जाता है कि बाहर निकलते ही कौन क्या करेगा। ये बेचारे जो जूझ रहे हैं, बाहर निकल के सीधा पेपर डिस्कस करेंगे और इनका आंसर देंगे ये लोग जो मचा रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो देखिए। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए। सॉरी सर। एग्जाम की ऐसी रातें इंजीनियर्स को लाइफ के लिए तैयार कर देती। इस कॉलेज से निकलने के बाद इन होनहारों से कोई और एग्जाम निकले या ना निकले, ये कभी किसी एग्जाम से डरेंगे नहीं। शांत, मैंने कई साल बाद पेपर चेंज किया है, इसलिए मुझे भी आइडिया नहीं, तो मैं ग्रेस मार्किंग दूंगा ना। ठीक है, सहारा प्रणाम करके बोला था ना 20 मार्क का आएगा, मेरा सुसाइड नोट भी खराब कर दिया साला। राइब के होगा, आधा मार्क्स मिलेगा नीटनेस का। चार्ट? हाँ। पेपर तो जनार्दन भैया ही चेक करते हैं ना। रोक से, रोक। चेक कर। काय रे साहब, वापस अपन पे शक? अरे तुम्हारे डंडे खा के दूध का धुला बन गया हूँ मैं, इसलिए दूध का धंधा कर रहा हूँ। हाँ सर, मिठाई की दुकान में कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने को, वहीं लेके जा रहे हैं। सर, इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है, इससे अपने पे कोई धारा नहीं लगेगी ना। छोड़ दे साहब, रिश्वत नहीं लेते पर मिठाई तो खाते हैं ना। चला साहब, बैठो यार। इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे? ठीक है, इसे दे दे, सारा काम दे दे जी। लेकिन इसके साथ ही रहना। जी भैया। अरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहले ये बोलो माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है, 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। पंजे कोंडा और मैं एक लेवल पे, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। कभी कभी तो लगता है तू लोमड़ी है। हेलो राजीव। यस राजीव जी स्पीकिंग, हु इज दिस? फकौली थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। हैरेसमेंट की कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ, रिंकी नाम की लड़की की। नहीं नहीं सर, हैरेसमेंट नहीं है, हमारे मैरिज की बात चल रही है। अच्छा, थोड़ा मन मुटाव हो गया है बस। लड़की तो बोल रही है शादी टूट गया है। अरे सर, 32 गुन मैच हो रहा है, शादी कैसे टूट जाएगी? मजाक थोड़ी है, शादी है। जितना तुम्हारे बारे में सुना है उसे सुन के लगता तो नहीं तुम्हारे अंदर एक भी गुण है, इतना गुण कैसे मैच हो रहा है बे? सर प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस,
ए लड़का, गाजियाबाद से है ना तुम? पता है ना, गाजियाबाद भी यूपी पुलिस के अंडर आता है। देखिए, आप ऐसे धमका नहीं सकते हैं किसी को। अब जो बोल रहे हैं शांति से सुनना और समझना। क्या है कि थाना में चल रहा है काम का ओवरलोड, और ऐसे में हम एक और केस रजिस्टर करना नहीं चाह रहे। मगर तुमने अपनी आशिकी नहीं छोड़ी और लड़की को फोन करना बंद नहीं किए, तो हमको एक और केस रजिस्टर करना पड़ जाएगा, और ऐसे में आ जाएगा हमको गुस्सा, और गुस्से में हम पहुंचेंगे गाजियाबाद। पहले तो मार मार के तुम्हारा घुटना फोड़ेंगे, और जब घुटना चूर चूर हो जाएगा तब तुमको लेके जाएंगे। नया फ्लैट खरीदे हो ना बे, 12वें माले पे इंदिरापुरम में, वहां, और वहां से कम 5 बार तुमको ऊपर नीचे कराएंगे सीढ़ी से। उससे क्या है, तुम्हारे अंदर जो भया का चुल उठ रहा है ना, वो ऐसा बैठेगा जिंदगी भर उठेगा नहीं, समझे ना बे? अरे समझे के नहीं राजा बाबू? जी सर, समझ गए। हाँ समझे तो फोन रखो बे, फोन रखो।